रायसेन से बड़ी खबर मिल रही है, जहां रायसेन के हाईवे पर 12 गायों की मौत के चलते कंप्यूटर बाबा बैठे धरने पर। आपको बता दें कि रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूरी सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैमरी गांव के समीप हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से लगभग 12 गायों की मौत हो गई और एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके चलते कंप्यूटर बाबा वहीं धरने पर बैठ गए और प्रशासनिक अधिकारियों से जांच की कार्रवाई की मांग करने लगे। काफी देर बाद कलेक्टर के आश्वासन के बाद कंप्यूटर बाबा धरने से उठे, लेकिन उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि ऐसी घटनाओं की प्रदेश में कहीं पुनरावृत्ति ना हो, इन गायों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए जिससे कि गायों की दर्दनाक मौत ना हो। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कंप्यूटर बाबा ने। 12 पे जो ढंग से ये गौ माता की लगभग 1.5 दर्जन गौ माता की हत्या हुई और ये गौ माता को किसी ट्रकों वालों ने एक बार नहीं ऐसे अनेकों बार किया, पर आज तो देखा नहीं गया जब ये 1.5 दर्जन गौ माता मरी पड़ी। मैं आपके माध्यम से माननीय शिवराज जी सरकार से कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि गौ माता की एक सुरक्षित व्यवस्था की जाए, गौ माता को गौशाला में रखें, गौ चरनोई जो होती है उसमें रखें और हर जिले में रखें। ऐसी दुर्दशा केवल रायसेन जिले में नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में है, इसकी कोई ठोस व्यवस्था की जाए, अन्यथा अभी तो हम धरने में बैठे हैं, आने वाले समय में यदि यह पुनरावृत्ति हुई पूरा संत समाज सड़क में उतर करके और बड़े से बड़ा आंदोलन करेगा। और यदि गौशाला और नहीं हुआ, गौशाला और चरनोई जमीन पर यदि आप नहीं रखा और गौ माता यदि रोड में ही रही, तो पूरा संत समाज गौ माता की हजारों संख्या में लेकर के हजारों संत हजारों गौ माता लेकर के और सीएम हाउस पहुंचेंगे। घटना हुई है, प्रशासन की लगातार कोशिश है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, पर चूंकि पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही थी, कभी तेज कभी धीमी, तो इसलिए पशु सड़क में आ जाते हैं सूखे होने के कारण। वैसे हम लोगों ने ये व्यवस्था की हुई है तो और अच्छे से इंश्योर करेंगे कि जो पंचायतें आ रही हैं हाईवे के किनारे, वो अपने अपने एक एक एम्प्लॉई यहाँ पे लगाएं और एम्प्लॉई वो लगातार क्लियर करते रहें। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी पशुपालकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि पशुओं को ऐसे खुले में ना छोड़ें, इससे न केवल पशुओं को नुकसान हो रहा है बल्कि जो जनहानि भी हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, खासकर टू व्हीलर्स में जो लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। और यदि भविष्य में इस तरह की कोई जनहानि होती है तो संबंधित पशुपालकों पर भी कार्रवाई करने का हमको सोचना पड़ेगा। सर, बाबा जी का कहना है कि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। देखिए, सरकार ने जो जो कार्रवाई कर सकती थी वो कर रही है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ हमारे प्रयासों में कमी है जिसको कि हम और ठीक करेंगे। थैंक यू सर।